और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें, अगर उनके औलाद न हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो, की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा, और अगर एक से ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज, बशर्ते कि उनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है, और खुदा नेहायत इल्म वाला और नेहायत हिल्म वाला है।